बिहार के भागलपुर में बैंक में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने लूट की बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया। मामला 10 फरवरी का है, जब दिन में करीब 1 बजे कहल गांव की कैनरा बैंक ब्रांच में 4 लुटेरे बैंक में कस्टमर बनकर घुसे। उनमें से एक बदमाश ने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लिया। तब तक बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश घबरा गए और बैंक से भाग निकले। इस दौरान बदमाशों ने 3-4 राउंड फायर भी किए। राजस्थान में बजट से कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक नाराज हो गए और जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। कर्मचारियों को काफी समझाया बुझाया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी मांगों को लेकर हम लोग सीएम समेत कई मंत्रियों से मिले थे, भरोसा देने के बाद भी बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं दिया गया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद नक्सली मौके से फरार भी हो गए। बीजेपी नेता सागर साहू घर पर मौजूद थे, तभी नक्सलवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला बोल दिया। इलाज के लिए अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। सागर साहू काफी लंबे वक्त से बीजेपी के सदस्य थे, उन्हें बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। नोएडा के सेक्टर 24 थाना इलाके में तेज रफ्तार एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में भूमिका जदोना नाम की महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली के मेहरौली में आज भी डेमोलिशन ड्राइव जारी रहेगी। सरकारी जमीन पर बने करीब 300 घरों को डीडीए तोड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास मकान के कागजात, हाउस टैक्स की रसीदें हैं, बावजूद इसके उनके घर को तोड़ा जा रहा है। लोगों ने डीडीए पर अचानक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। झारखंड के गिरिडीह में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को दोस्त के घर में दफना दिया। पुलिस ने मौके से कंकाल को बरामद कर लिया है। वहीं अब डीएनए के जरिए जांच की जाएगी कि आखिरकार शव महिला का है या नहीं। पुलिस आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश में पुल के ऊपर से कूद गया। ट्रक ड्राइवर के दोनों पैर टूट गए। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पटना साहिब गुरुद्वारा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान खूब लात घूंसे भी चले, इससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी तरह समझा बुझा कर मामले को शांत किया गया। बरेली में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। शादी समारोह से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। कार एक अज्ञात गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसका अगला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। कार में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। पेड़ पौधे सभी बर्फ से ढक गए हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से पारा एक बार फिर से काफी नीचे गिर गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।